हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को माइक्रम की रस्सी से फैलिंगो बर्ड्स बनाना सिखाऊंगी। ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये कीचेन के डिज़ाइन में मैंने बनाया है फैलिंगो बर्ड। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर की 7 रस्सी पिंक कलर की ले ली है, एक वाइट कलर की 80 सेंटीमीटर की एंड एक ब्लू कलर की 80 सेंटीमीटर की रस्सी ली है। मेरे पास ब्लैक कलर की रस्सी नहीं थी तो मैंने ब्लू कलर की रस्सी का यूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास ब्लैक कलर की रस्सी हो तो आप ब्लू की कलर की रस्सी की जगह ब्लैक कलर की रस्सी का यूज़ कर सकते हैं। पहले हम एक रस्सी लेकर सीधे फोल्ड करके रख देंगे। हम उसके बीच में सेकेंड कॉर्नर रस्सी लेकर उसको सिंगल रखकर हम उसे लपेटेंगे, रैपिंग करेंगे। एक बार डालेंगे तो जोड़ेंगे रस्सी को साथ में। और आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में मैंने रस्सी किस तरीके से जोड़ रही होंगी, उसी तरीके से रस्सी जोड़नी है। एक कॉर्ड में रस्सी जोड़ने के बाद हम दूसरे कॉर्ड में भी पहले रस्सी को जोड़ेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की रस्सियां भी जोड़ेंगे। मैंने बताया था उस तरीके से मैंने चार कॉर्ड ज्वाइन कर लिए। चार कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद पहली वाली कॉर्ड लेंगे और बाकी के तीन कॉर्ड से उसके ऊपर रैपिंग करेंगे। और जो लास्ट वाली रस्सी है हम उसकी भी रैपिंग साथ में करनी हैगी, हमें उसको छोड़ना नहीं है। और दूसरी साइड भी हम वही प्रोसेसिंग करेंगे, पहली कॉर्ड लेंगे और बाकी की सारी रस्सियों की, मतलब तो चार रस्सी बची हमारी, उनकी हम उस पर रैपिंग करेंगे। दोनों साइड रैपिंग कंप्लीट करने के बाद लास्ट में धागे बचे हुए हैं उसमें अब मैंने 7 कॉर्ड ली थी पिंक कलर की। अब हम 6 नंबर की कॉर्ड लेंगे। 5 कॉर्ड तो हम जोड़ चुके हैं, हम 6 नंबर की कॉर्ड लेंगे और उसको हम जोड़ेंगे। पहले जैसे हमने ऊपर सारी कॉर्ड जोड़ी थी उसी तरीके से हम ये कॉर्ड भी जोड़ेंगे। कॉर्ड जोड़ने के बाद अब ऊपर से हम एक और कॉर्ड लेंगे और जितनी भी रस्सियाँ हमारी बची हुई हैं, पहले हम एक रस्सी की रैपिंग करेंगे, फिर सेकंड रस्सी की रैपिंग करेंगे एंड थर्ड रस्सी की रैपिंग करेंगे, फोर्थ की। और जो हमें रस्सी जोड़ी है उस रस्सी की भी हम साथ में रैपिंग कर लेंगे, मतलब सारे धागों की हमें में रैपिंग कर लेनी है एक साइड। और उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सारी रस्सी लेनी है पहले वाली और सारे धागों की रैपिंग कर लेनी है। दोनों साइड रैपिंग कम्प्लीट करने के बाद अब हम 7 नंबर की कॉर्ड लेंगे और उसको भी बाकी कॉर्ड की तरह जोड़ेंगे। सेवन नंबर की कॉर्ड को जोड़ने के बाद हम ऊपर से फिर धागा लेंगे और फिर सारी कॉर्डों के से रैपिंग करेंगे। धागे से जितने भी धागे हैं सारे धागों से रैपिंग करनी है, फिर से दोनों साइड सेम ही प्रोसेसिंग करनी है। सारे कॉर्ड की रैपिंग होने के बाद अब हमें करना है ऊपर के दो धागे छोड़ देंगे दोनों साइड। दोनों साइड दो धागे छोड़ने के बाद अब हम तीसरा नंबर का धागा लेंगे और एक धागे से उस पर रैपिंग करेंगे। और रैपिंग करने के बाद धागे को हमें वहाँ छोड़ना नहीं है, हमें उस धागे को भी साथ में ले लेना है और फिर दूसरे धागे से हमें रैपिंग करनी है। दूसरे धागे से भी हम रैपिंग कर लेंगे तो उस धागे को भी हम साथ में ले लेंगे और फिर तीसरे धागे से रैपिंग करेंगे। मतलब हम अब धागा जो हम छोड़ेंगे नहीं, रैपिंग करते हुए धागे को साथ में लेते हुए हम रैपिंग करते जाना है। और ये जो हमें रैपिंग करनी है थोड़ी टाइट टाइट करनी है और धागों को हमें साथ साथ खींचते हुए भी जाना है। लास्ट में दो दो धागे छोड़ के दोनों साइड जितने भी धागे थे हमें सारे धागों की रैपिंग उसमें कर लेनी है। धागे को साथ में ले लेके मैंने कर ली है। अब जो हमारे पास लास्ट वाला धागा है वो दूसरी उसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे और एक बार घुमाएंगे दूसरी साइड की से। और फिर जैसे हम सिंपल, अब हमें रैपिंग नहीं करनी, हमें सिंपल तरीके से सारे धागों को खींच के अच्छे से, अब हमें जो हमारा धागा बचा हुआ है अब उसे हमें लपेटना आएगा।
इस तरीके से लपेटते हुए मैंने 7 लाइन कंप्लीट कर लिए। 7 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब धागा हमारा बहुत कम रह गया है, आपको कम नहीं भी रह गया हो तो आप उसे वहाँ पे कैंची से काट देंगे। अब धागे को हम छोटा कर लेंगे, छोटा करके हम उसी धागे में लाइटर की मदद से वाइट कलर का धागा जोड़ेंगे। वाइट धागा जोड़ेंगे और वाइट धागा जोड़ने के बाद दोबारा से हम उसके ऊपर धागे के ऊपर लपेटेंगे। मैंने वाइट धागा भी लपेटते हुए मैंने 7 लाइन कंप्लीट कर लिए। 7 लाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने धागे को कैंची की मदद से काट दिया, बाकी जितना भी धागा हम कैंची मदद से काट देंगे। और उसके बाद अब हम ब्लू कलर का धागा जोड़ेंगे। आप लोग अगर ब्लैक कलर का धागा हो तो आप लोग ब्लैक कलर का धागा जोड़ सकते हैं, मेरे पास ब्लू कलर का था तो मैंने ब्लू कलर का जोड़ा क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का धागा नहीं था। धागे को जोड़ने के बाद हम फिर से रैपिंग करेंगे जैसे हम आगे करते आए हैं। मैंने जो ब्लू कलर के धागे से किए वो उन्हें मैंने 5 लाइन किए। 5 लाइन करने के बाद धागे काट दिया और लाइटर की मदद से मैंने वहाँ पे चिपका दिया। अब उसके बाद जो धागे हमारे पिंक कलर के बचे हुए हैं हम उसे सारे कैंची से काट देंगे और लाइटर की मदद से जलाकर गर्दन को घुमाकर हम उसको नीचे की साइड ज्वाइंट करेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने नीचे की साइड उसे ज्वाइंट कर दिया है। अब मैंने एक ब्लू कलर का धागा लिया, उसे जलाया है और बीच वाइट वाली जगह पे मैंने उसे चिपका दिया और ऊपर से कैंची की मदद से काट दूंगी और बिल्कुल पॉइंट की तरह हमारा आग बन जाएगी फ्लेमिंगो बर्ड की। ऊपर की साइड जो हमने दो रस्सियाँ जोड़ी थी उनको हम दोनों को काट देंगे कैंची की मदद से और पीछे की साइड हम चिपका देंगे लाइटर की मदद से। और नीचे की साइड दो रस्सियाँ जो हमने छोड़ी हुई थी उन दोनों रस्सियों में हम बराबर गैप रखकर एक गांठ लगाएंगे और जितनी रस्सी हमारी बची होगी उसे हम कैंची की मदद से काट देंगे। अब हम छोटा सा धागा लेंगे एक और उसे दोनों तरफ से रबर कर लेंगे और पीछे के साइड से हम उस वर्ट के जोड़ देंगे लाइटर की मदद से। और इस तरीके से हमारा माइक्रम का फैलिंगो बर्ड बन के तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसी तरीके के नए नए डिजाइंस और देखना चाहते हैं और नए नए तरीके की चीज़ें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल से। बाय बाय एंड थैंक यू।